एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ के मैथ्स का सैंपल पेपर, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, सितंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए, और ये पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। ये वीडियो जो है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो जो आपको टाइमिंग दी जाएगी वो 3 आवर्स की दी जाएगी। पेपर आपका 80 नंबर का होगा। क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, ठीक है। जो पहला पार्ट है वो सारे 1 मार्क के क्वेश्चन को कैरी करता है, जिसमें कि 3 जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 16 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन जो है वो 8 ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो 8 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, ठीक। पार्ट सी में जो है वो आपसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 3 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। पार्ट डी जो है उसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें जो है वो आपको इंटरनल चॉइसेस हर क्वेश्चन में मिलेगी, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके का है आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसके सॉल्यूशन जो है वो सारे करने वाले हैं। ये सारा ही पेपर जो है वो सॉल्व है। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट आपको जो है वो मिलता रहे। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 0 को अगर आप -10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा। तो बच्चों, किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है वो 0 ही आएगा, ठीक है। अब ये इसको डिवाइड करोगे तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये -10 आएगा। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ -19 एंड -13 इज। तो बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर है तो ये प्लस हो जाएगा। तो -19 + 13 कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, और बड़े के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इस करके ये प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है 16 of 3/2। 16 of का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 16 of 3/2 जो है वो कितना बनेगा, यहाँ पे आपने इस तरीके से लिख लेना है। 2 8 16 हो जाएगा, 8 3 जो है वो 24 हो जाएगा। तो 24 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 3/2 को जब आपने 2/3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आएगा। तो 3/2 को हम लोग 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो ये 3 से 3 जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1। रेसिप्रोकल बोल रहे हैं, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। तो 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/3। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 3.02 इज। तो यहाँ पे 2 जो है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, तो पॉइंट के बाद है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 है ना, पॉइंट 2 डिजिट है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2/100, क्योंकि 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 100 है, THS वाला, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि आपने मोड जो है वो इन सभी नंबर का मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन, जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो मोड होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार जो है वो नंबर कौन सा आया है, 2 आया है, तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि 7x + 4 जो है वो 39 के इक्वल है, तो आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 7x यहाँ पे कर दिया हमने, 39 में से 4 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। तो यहाँ से कटिंग कर दो, 7 5 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5। अब बोला गया है आपको इफ 2 इज सेपरेटेड फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, ठीक है। किसी कोई नंबर है, मान लेते हैं x है, ठीक है, उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x। उसमें से जब 2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आंसर जो है वो आपका कितना आता है, 5 आता है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो ये कितना बन जाएगा उधर, 2x = 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7/2, ठीक है। ऑप्शन जो है ये गलत है यहाँ पर, तो ये जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 7/2, ठीक है। इसको आप लोग 7/2 कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको बोला गया है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसका सम कितना होता है। तो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। और नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपने इन सबको टोटल करके देखना है कि जिसका भी जो सॉल्यूशन है 180 बनेगा वो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पर जब हम प्लस करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 5 + 5 10,
10 का 0 11 में 1 पर कैरी कर दिया तो 12 हो जाएगा, 12 और 5 तो 12 और 5 जो है वो आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया 170, तो ये जो है वो नहीं है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। जब हमने इसको प्लस किया 47 और 133 को तो 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, 10 का 0 कैरी हो जाएगा 1, 13 जो है वो 14 बन जाएगा, 14 में 4 प्लस किया तो ये बन जाएगा 180, तो ये करेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज एक्यूट, लीनियर पेयर क्या होता है, मान लो ये दो है, ठीक है, इसमें एक जो है वो एक्यूट एंगल है यानी 90 डिग्री से कम का एंगल है, तो दूसरा कैसा होगा, ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज होगा क्योंकि लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर ये जो है इसको हम मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री का है, ठीक है, तो दूसरा जो है वो कितने का बनेगा 120 का बनेगा, तभी तो ये 180 का बनेगा ना, ठीक है, तो ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज क्या होता है, जो 90 से ज्यादा का एंगल होता है और 180 के बीच का होता है, ठीक है, यानी कि 91 से लेकर 180 के बीच का, वो सारे ऑब्ट्यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है विच एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल जो है वो कौन सा एंगल है, तो कितने जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, है ना, कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे हम 2 मान के चलते हैं, वो जो है वो कितना जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हमने पढ़ा 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये कितना बन गया 2x, 2x जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो गया। अब इसकी कटिंग कर दो, x मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो है डिवाइड हो जाएगा, तो 2 और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 45, तो 45 डिग्री के, ठीक है। नेक्स्ट है 0.025 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे करोगे, आपने यहाँ पे जो है वो 25 लिख दिया, यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है 1, 2, 3, यहाँ पे 3 के बाद जो है वो पॉइंट लिख दिया, ठीक है, पॉइंट की वजह से यहाँ पे 3 जीरो आ गया और परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0, 1, 2, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बच गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 25 और 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर हमारा आ गया 2.5%, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें आपको बोला गया है कि 3/4, तो जो 3/4 है वो x/12 के इक्वल है कह रहा है, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे x/12, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 12 3 36, ठीक है, तो 4 12 3 36 हो गया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके, क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 1 4 4 9 36, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें जो है वो बॉड मास के थ्रू आपने सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्व हम इसको, -4 हो गया, मल्टीप्लाई जो अंदर ब्रैकेट है छोटे वाले उनको ओपन करेंगे पहले -5, यहाँ पे देखो ये क्या है प्लस माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका -3। अब ब्रैकेट के अंदर फिर सॉल्व करोगे, अब बड़ा ब्रैकेट खोलोगे, -5 -3 कितना हो जाएगा -8, -8 को जब आपने -4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 4 32, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 32। अगला आ जाता है ट्रू फॉल्स, उसमें बोला गया है कि जब आप दो इंटीजर्स को जो है वो डिवाइड करते हो तो हमेशा जो है आंसर एक इंटीजर आता है, तो ऐसा हमेशा नहीं होता, जैसे एक इंटीजर ले लेते हैं हम लोग 3 और दूसरा ले लेते हैं 2, तो जब 3 को आपने जो है वो 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 1.5। अब 1.5 को इंटीजर नहीं है, है ना, तो जो है ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बोला गया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है जिसका जो है वो न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है, तो 7/10 हो गया, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो बन गया 10/7, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट बोला गया है आपको कि द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल नंबर एंड जीरो, ले लेते एक नंबर, डेसिमल नंबर है हमारा 3.2, जब उसको हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया, किसी भी नंबर को जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हो क्या आता है, वो जीरो ही आता है, तो ये भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगला है आपसे पूछा गया, अगर दो लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, बच्चे वर्टिकल अपोजिट एंगल तो हमेशा ही इक्वल होते हैं, अगर एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है
ठीक है, ये वाला एंगल जो है जिसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल वन, वो एंगल टू के इक्वल होगा हमेशा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये गलत हो गया। अब बोला गया है तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन है वो 5 है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो 5 ना होकर बच्चों -5 आएगा। ये देखो यहाँ पे आपका आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो x जो है ये यहाँ पे रह जाएगा, प्लस 5 उधर जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सॉल्यूशन गलत हो गया, ये होगा फॉल्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बोला गया है कि जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट है वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाए, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। कहते हैं कि 0 नंबर जो है वो -4/ नंबर से बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा है क्योंकि एक तो ये नेगेटिव का साइन है, ठीक है, नेगेटिव का साइन जो होता है वो वैसे ही 0 से छोटा होता है, तो ये भी ट्रू है। अगला बोला गया कि जब आप इनको सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, करके देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 2 -5 मल्टीप्लाई -5 अपॉन में 2, ठीक है, तो -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर तो 1 आना चाहिए, तो ये भी गलत है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना बच्चों, ये फॉल्स है। फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें बोला गया है कि लार्जेस्ट नंबर जो है वो क्या है, तो बच्चों लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर जो होता है वो कौन सा होता है, -1 होता है, और 1.5 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, तो ये 12 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 वैसे तो 120 आ रहा था, 15 को 8 से करोगे तो बट एक के बाद पॉइंट है, इस करके ये 12 आएगा। जब आपने 27.5 को 10 से डिवाइड किया, ठीक है, 27.5 को आपने, अब पॉइंट था, पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो नीचे आ जाएगा, 10 से ही इसको डिवाइड कर दिया, तो 2 जीरो बन गए मेरे पास, तो 2.75 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि इक्वेशन ऑफ 10 टाइम्स x, x का 10 टाइम कितना हो जाएगा, 10x, वो 50 के इक्वल है, तो इस तरीके का स्टेटमेंट बनेगा आपका, तो 10x इज इक्वल टू 50 जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन है। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री का कितना होता है 90 डिग्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% का फ्रैक्शन जो है वो क्या होगा, आप परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको आप इस तरीके से लिखो 25/100, 25 × 25, 25 × 4 = 100, तो आंसर क्या आ गया 1/4। नेक्स्ट बोलता है आपको कि प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेलिंग रुपीज 80 आइटम फॉर रुपीज 100, तो जब आप 80 का सामान 100 में सेल कर दे तो आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमने लिखना होता है प्रॉफिट, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ है, ठीक है, वो लिखोगे, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना है 20, कितने में से, मतलब कि आप कह सकते हो जो कॉस्ट प्राइस होता है वो लिखना है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 80, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया, हम कटिंग करते हैं 4 की टेबल से, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, ठीक है, यहाँ पे ये 2 × 5 = 10, तो 5 × 5 = 25, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 25%। सिंपलेस्ट फॉर्म -21/28 का, तो -21/28 जो है वो 7 की टेबल से चल जाएगा, तो 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, तो आंसर क्या आ गया -3/4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पार्ट बी, टू डू मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको बोला है मल्टीप्लाई करो और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो जैसे अभी किया था वैसे ही करना है, 1/3 को 15/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो या तो आप यहीं पे कटिंग कर दो, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 × 1 = 5, यहाँ पे 5 आ गया, और 8 जो है यहाँ पे 1 था, तो 8 × 1 = 8, 5/8 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, या दूसरा तरीका जैसे 1 को 15 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को 3 से कर दिया, उसके बाद इसकी कटिंग कर दो, ठीक है, तो जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि देर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर 1 to 6 मार्क्ड ऑन देम, तो एक बॉक्स में जो है वो 6 जो है वो मार्बल रखे हुए हैं, उसमें काउंटिंग लिखी हुई है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 5 जो है वो आए, ठीक है, तो टोटल मार्बल कितने हैं हमारे पास, 6 है, तो हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की चाहिए, 5 की चाहिए, तो एक ही चांस है, 5 एक ही भी लिखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 1, मतलब कि 5 नंबर आने की कितनी है, 1/6 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बोला गया है राइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ -5/9,
माइनस 5 बाई 9 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे होगा बच्चों, तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जो है वो 2 से कर रही हूँ पहले, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 5 को 2 से किया तो ये बन गया आपका माइनस 10 और 9 टू जा 18, ये आपका पहला जो है वो रेशनल नंबर हो गया जो कि इसके इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से हम इसको 3 से कर देंगे, तो माइनस 5 को 3 से किया तो कितना बन जाएगा, माइनस 15 और 9 थ्री जा 27, तो वो आपका सेकेंड रेशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से आप माइनस 5 को 4 से कर दो, तो माइनस 5 को 4 से किया तो कितना हो जाएगा, 5 फोर जा 20, तो ये माइनस का 20 आ जाएगा। और जब 9 को आपने 4 से किया तो 4 9 जा 36, तो आपका ये 3 जो है वो रेशनल नंबर जो है वो इसके इक्विवेलेंट है वो पता कर दिए। ठीक है, तो वैसे तो आपको बोला है कि एक ही रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप इस तरीके से जो है वो कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि अगर और भी निकालने को बोला जाता है तो आप जो है वो एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो उसमें आपसे कहा गया है कि आपने इनका सम फाइंड आउट करना है माइनस 5 बाय 6 प्लस 3 बाय 18 का। तो सबसे पहले इसका 6 और 18 का एलसीएम लोगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 18 आएगा, 3 का, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो माइनस 5 को 3 से किया तो कितना बन गया, माइनस 15। 18 में क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 18 आएगा, 1 करोगे तो ऊपर भी 1 से कर दिया तो 3 आ गया। अब माइनस 15 प्लस 3 इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा और ये 18, फिर इसकी कटिंग कर दी हमने, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो हमारा आंसर कितना गया, माइनस 2 बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 बाय 5, तो उसको सॉल्व करोगे तो बच्चे ये डिवाइड हो रहा है तो इसको जो है वो रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस 3 बाय 5 जो है वो 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये माइनस 15 अपॉन में 1 1 जा 1 ये आ गया। अब हर नंबर के नीचे 1 होता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें बोला गया है कि ए ओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अगर आपका एंगल ए ओ सी जो है वो 50 डिग्री का है, आपने सॉरी एंगल ए ओ सी जो है वो फाइंड आउट करना है और आपको एंगल जो दिया गया है बी ओ सी वो 50 डिग्री का है, तो 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ सी इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री बन जाएगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो 180 में से जब हमने 50 माइनस कर दिया तो 130 आया, यानी कि जो एंगल ए ओ सी है वो हमारा कितना हो गया, 130 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बोला गया है कि एल और एम जो है वो एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, और जो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, एन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जब इस तरीके से एंगल्स बनते हैं ना तो उनका सम जो है वो भी 180 डिग्री होता है क्योंकि ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक ही साइड में ट्रांसवर्सल के है तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो 3x plus 2x कितना हो गया, 5x, और यहाँ पर 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 36 5 जा 180 होता है, तो आंसर आ गया आपका 36 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि विच इज अ सप्लीमेंट्री ऑफ 105 डिग्री, 105 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो 180 में से 105 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 75। ठीक है, जो कि इसको और चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा पार्ट सी से है। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। एट सनराइज द आउटसाइड टेम्परेचर वॉज 7 डिग्री बिलो जीरो, तो माइनस 7 हो गया। ठीक है, इन द आफ्टरनून द टेम्परेचर रोज बाय 13 डिग्री, तो टेम्परेचर जो है वो दोपहर में 13 डिग्री जो है वो बढ़ जाता है और रात में जो है वो 8 डिग्री कम हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट वाज द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द डे, तो जो मतलब कि दिन के जो एंड है उसमें जो है वो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, माइनस 7 डिग्री से शुरुआत हुई थी, 13 डिग्री बढ़ गया तो माइनस 7 में 13 प्लस कर दे क्योंकि बढ़ गया है, तो ये 6 डिग्री बन गया। रात में 8 डिग्री जो है वो गिर गया तो माइनस हो जाएगा, तो 6 डिग्री में से 8 डिग्री माइनस किया तो माइनस 2 डिग्री हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो डे के एंड में था वो माइनस 2 डिग्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या दूसरा है, इसको आपने बॉर्ड मास के थ्रू ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट जो है उसको ओपन करेंगे, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया, बाकी सारी चीजें हमने एज इट इज उतार दी है। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या होता है, डिवाइड होता है पहले, तो मैंने 30 को 6 से डिवाइड किया,
क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम उतार दी, ठीक है। 11 को 5 से जो है वो प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा 16, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। अब 8 में से 16 माइनस किया तो कितना हो जाएगा -8, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 10 + 8 = 18, ठीक है। तो आंसर हमारा 18 आ गया। तो सबसे पहले बच्चों किया क्या जाता है, इसमें ब्रैकेट को ओपन करोगे, ठीक है। सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट ओपन होता है, फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन होगा, और फिर ये तीसरा ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है। इसके बाद जो है सबसे पहले आप जो है वो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि एक तार की जो है वो तार का टुकड़ा है, ठीक है, पीस ऑफ वायर है, जिसको कि 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर एक पार्ट का लेंथ जो है वो 2.03 मीटर है तो टोटल वायर की लेंथ कितनी होगी। तो ऑब्वियसली एक पार्ट हमें पता है, ज्यादा का पता करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ गया हमारा, 30.45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें आपको बोला गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो -2 है यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ कोई इंटीजर नहीं है, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, 46 में 2 प्लस किया तो क्या बन गया 48, और यहाँ पे बन गया 3p, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 16 × 3 = 48, तो आंसर हमारा कितना आ गया 16। या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर आप एक नंबर में, ठीक है, 7 जो है ऐड करते हो तो 5 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है 5 गुना उसमें जब अगर आप 7 ऐड करते हो तो वो 57 बनता है। तो अगर हम ले लेते हैं कि नंबर हमारा x है, उसका 5 गुना जो है वो 5x हो जाएगा, 7 ऐड करोगे तो 5x + 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या बोला गया है कि उनका सम जो है 57 के इक्वल है, तो 5x + 7 जो है 57 रख दिया हमने, 7 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 57 से 7 गया, क्या आ गया आंसर 50, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 5 × 10 = 50, तो एक्स हमारा कितना आ गया 10। तो इसको हम करके भी देख सकते हैं, 5 बोला है, 5 का मतलब किसी नंबर का 5 टाइम बोला था, तो नंबर हमारा 10 आया, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना बन जाएगा 50, उसमें 7 ऐड कर दिया तो बन जाएगा 57। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बोला गया है एक कार जो मेरे पास है वो 150 किलोमीटर जाती है 25 लीटर पेट्रोल में, तो अगर उसमें 30 लीटर पेट्रोल होगा तो वो कितना जो है वो ट्रेवल करेगी। तो जितना ज्यादा पेट्रोल डाला जाएगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में हम इस तरीके से लेते हैं, तो 150 जो है 150 जो है वो किलोमीटर जाती है 25 लीटर पेट्रोल में, डिस्टेंस जो है दूसरा हमें पता नहीं है तो वो 30 लीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 150/25, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है हमारा इज इक्वल टू x/30, ठीक है, x/30। इसकी कटिंग कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमने जब इसकी कटिंग करी तो ये कितना हो जाएगा 25, 5 5s = 25, और ये हो जाएगा 5 3s = 15 और 0, ठीक है। फिर इसकी कटिंग कर दी तो ये बन जाएगा 6 5 6s = 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x1s = x आ गया, और 6 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया, तो 30 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सिटी है उसकी पॉपुलेशन जो है वो 25,000 से कम होकर 24,500 हो जाते हैं, तो कितनी पॉपुलेशन में मतलब कह सकते हो कितना पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होना, परसेंटेज में बताना है। तो पॉपुलेशन ओरिजिनल कितनी थी 25,000, डिक्रीज होने के बाद कितनी हुई 24,500, तो पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई 500 माइनस करके। अब परसेंटेज डिक्रीज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, वो लिखा हमने, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो पॉपुलेशन कितना डिक्रीज हुआ 500, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी 25,000, कटिंग हो जाएगी 0 से 0 कैंसिल 5 5s = 25, ठीक है, और 0 आ गया, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे हो गया आपका 100%, 52s = 100, तो आंसर हमारा कितना आ गया 2%। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये वाला करना है, इसमें आपको बोला गया है कि अनीता जो है उसने एक लोन लिया 5,000 का 15% इंटरेस्ट पर, ठीक है, हर साल का इतना इंटरेस्ट बनेगा उसका, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो साल के अंत में उसने कितना इंटरेस्ट और अमाउंट जो है वो पे करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा 5,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है,
ईयर का टाइम जो है वो 1 ईयर है। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू टी अपॉन में 100 हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। जब इसको हमने कटिंग कर दी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 15 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 750 जो है उसने इंटरेस्ट पे करना। आगे इसमें क्वेश्चन पूछा था कि अमाउंट जो है वो कितना जो है उसने पे करना है, तो अमाउंट जो है वो कैसे निकालते हैं, जितना उसने प्रिंसिपल दिया है और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है दोनों को प्लस करके, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है उस लिया था उसने, प्रिंसिपल कितना था उसका 5000 और उसने इंटरेस्ट उस पर कितना देना है 750, यानी कि हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 5750, ठीक है। यानी कि ये अमाउंट जो है वो उसने पे करना है, ठीक है। आप लोग रुपीज का साइन जो है वो जरूर लगाया करो। आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपसे बोला गया है कि पार्ट डी का क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइसेस हैं क्वेश्चंस में। आपको ये एक डेटा दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि क्लास के 15 स्टूडेंट जो है वो आउट ऑफ 25 कितने मार्क्स लेकर आए हैं। इसका अपने मीन मोड और मीडियम जो है वो निकालना है, पता करना है क्या वो सेम है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उनका टोटल डिवाइड करना है जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनसे, ठीक है। तो टोटल जब हमने 19 प्लस 25 प्लस 23 ऐसे करके जब सारे नंबर्स को प्लस कर दिया तो 263 टोटल बना था मेरा, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 15 है, 15 स्टूडेंट्स के मार्क है तो 15 हो गया। जब इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारा 17.53 जो कि मीन है। अब मोड पता करने के लिए और मीडियन पता करने के लिए नंबर को अरेंज करना पड़ेगा, तो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब सबसे ज्यादा बार जो है वो कौन सा नंबर आया है, 20 आया है, तो मोड कितना हो गया 20। मीडियन जो होता है वो मिडिल ऑब्जर्वेशन होता है, 15th नंबर है, टोटल 15 है तो 15 का हाफ जो होगा वो कितना हो जाएगा 7.5, यानी जो 8th नंबर होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो 20 है वो हमारा मीडियन हो गया। तो यहाँ पे देखो मोड और मीडियन दोनों ही इक्वल है, तो हमने लिख दिया यस बोथ मोड एंड मीडियन आर सेम, ठीक है, बट मीन आर डिफरेंट, वो भी आप आगे लिख सकते हो। या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या ये, इसमें आपको बोला गया है कि जो एक वीक में जो एक शहर में जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई, तो उसका जो है वो रिकॉर्ड ये है, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा, तो रेंज निकालना है इसका। रेंज निकालने के लिए हमने जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल देखा कितनी हुई है 20.5 और मिनिमम रेनफॉल कितनी हुई है 0.0, इन दोनों को माइनस कर दिया तो रेंज निकल गया। उसके बाद जो है वो मीन रेनफॉल निकालना है, ठीक है, यानी कि मीन निकालना है। तो अगेन हमने मीन का फॉर्मूला देखा था, क्या था, सम जो है इनका करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 7 है, इन सब का टोटल कर दिया तो मेरा बन गया 0.31, ठीक है। तो डिवाइड करने पर 5.9 जो है वो mm हो गया। अगला बोला गया है कि ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, मीन है 5.9, इससे कम कितनी बारिश हुई है, तो ये भी 5.9 से कम है, ये भी 5.9 से कम है, एक है ना, ये भी कम है, ये भी कम है, तो टोटल कितने बन गए 5, तो 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है, आपको डेटा दिया गया है, सर्वे किया गया था कॉलोनी का, जिसमें कि स्पोर्ट्स जो है वो बताए गए हैं, कितने वो जो है वो देखते हैं, कितने पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका डबल बार ग्राफ जो है वो आपने बनाना है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट स्केल को चूज करते हुए, तो हमने 200 का स्केल जो है वो रखा है, मतलब एक यूनिट जो है वो 200% को शो कर रहा है। जो येलो कलर है वो आपको जो है वो दिखा रहा है कि जो वॉचिंग वाले हैं, और जो पिंक कलर है वो दिखा रहा है कि कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो क्रिकेट का कितना था 1240, तो वहां पर जो है वो 1240 को देखकर आपने बना दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये डबल बार ग्राफ है तो साथ में ही रहेगा कि कितने लोग क्रिकेट देख रहे हैं, कितने लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से सारे नाम लिख दे, नीचे जो है एक्स एक्सिस पर सारे स्पोर्ट्स आ जाएंगे, और जो फ्लक्चुएट होता है यानी कि नंबर ऑफ पीपल है वो जो है वो वाई एक्सिस पर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि आपने बार ग्राफ को रीड करते हुए बताना है, ये मतलब कि 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का है, ठीक है, 5 साल का, 5 लगातार साल की जो है वो बुक कितने सेल हुए एक बुक स्टोर में उसको दिखा रहा है। तो आपने बताना है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 2008 में कितने बुक्स सोल्ड हुए 140, ठीक है। 2009 में जो है वो कितने सेल हुए यहाँ पर बुक, ये ऊपर है हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है तो ये 360 हो गया। 2011 में कितने जो है वो बुक सेल हुए हैं, तो ये है 180। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 475 बुक जो है वो कौन से साल में सेल हुए हैं, ठीक है, तो
2012 में जो है वो 475 बुक्स जो है वो सेल हुए हैं, एंड इन विच ईयर अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड, और 225 बुक्स कब सेल हुए हैं, 2010 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।